सो आज अभी तक हम लोग ने ये देखा कि दशा को कैसे एनालाइज करते हैं और कोई भी हाउस का प्रॉमिस कैसे देखते हैं। हमारे पास अलग अलग क्लाइंट आते हैं, कोई भी पूछता है मेरी शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं होगी, पहले तो ये सवाल आता है। तो शादी अगर प्रॉमिस्ड है तो फिर शादी कब होगी वो हम देखेंगे। कोई बोलता है मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, तो पहले ये देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी उसके नसीब में उसके भाग्य में प्रॉमिस्ड है या नहीं है। अगर प्रॉमिस्ड है तो फिर कब ले सकेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। बराबर, तो अभी तक हमने क्या देखा, दशा को कैसे एनालाइज करना, उसमें भी महादशा को और हाउस के प्रॉमिस को कैसे चेक करना, इतना हमने देखा। आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज डिविजनल चार्ट। इसको क्या बोलते हैं, डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट का मतलब क्या होता है, डिविजनल चार्ट मतलब वर्ग कुंडली। डिविजन मतलब वर्ग, अगर हम हिंदी में बात करें तो वर्ग, और चार्ट मतलब कुंडली। तो डिविजनल चार्ट इसका मतलब क्या होता है कि जब ये एक हमारा बनता है वर्ग चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, D1 चार्ट या जन्म कुंडली बोल सकते हैं या बर्थ चार्ट बोल सकते हैं। तो ये D1 है बेसिकली, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस वक्त जो लग्न चल रहा होता है उसके बेसिस के ऊपर ये चार्ट बनता है। तो ये क्या करता है, ये चार्ट हमें मोटा मोटी पिक्चर दिखाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। हमको अगर सही प्रिडिक्शन करना है, परफेक्ट प्रिडिक्शन करना है, परफेक्ट प्रॉमिस चेक करना है, तो विदाउट डिविजनल चार्ट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, 95% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो भी एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं आज के टाइम में, उसमें से 95% एस्ट्रोलॉजर डिविजनल चार्ट को देखते ही नहीं है। डिविजनल चार्ट को देखे बिना सीधा यही कुंडली के ऊपर से प्रिडिक्शन करते हैं और इसीलिए मैक्सिमम प्रिडिक्शन रॉन्ग जाते हैं। दूसरा 95% एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, किस चीज को मिस करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। 95% एस्ट्रोलॉजर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को मिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइंट ने टाइम दिया 10 बजे का, तो 10 बजे का ये कुंडली बना लिया और उसके ऊपर से प्रिडिक्शन कर दिया। बट आपको मैं बताऊं, ये डिविजनल चार्ट जितना हम डिटेल में जाते हैं, ये 10:01 या 9:59 इसके अंदर प्रिडिक्शन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। काफी टाइम ऐसा होता है कि यहां पर किसी व्यक्ति की शादी होगी ऐसा दिखता ही नहीं है। हम ये देख के बोल ही नहीं सकते कि इस व्यक्ति की शादी होगी, लेकिन जब हम डिविजनल चार्ट के अंदर देखते हैं तो उस व्यक्ति की शादी प्रॉमिस होती है। अब जिसने ये देख के प्रिडिक्शन कर दिया वो तो ऐसा ही बोलेगा, नहीं शादी तो होने वाली है, नहीं शादी नहीं होगी। अब सोचो वो व्यक्ति कितना नर्वस होगा, कितना डिप्रेस हो जाएगा, भाई रिलेशनशिप नहीं होने वाला है। बट जब हम डिविजनल चार्ट देखते हैं उसके अंदर वो प्रॉमिस हमें मिल जाता है, हम बिंदास बोल सकते हैं कि आपकी शादी प्रॉमिस्ड है और ये टाइम के अंदर शादी पक्की होगी। तो जब तक डिविजनल चार्ट नहीं देखेंगे हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर इस चीज को कंसिडर नहीं करते। देखिए, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो हमें अपना टाइम बताता है, जन्म टाइम, वो कौन सा टाइम बताता है मालूम है, जब उसका जन्म हुआ था तब डॉक्टर ने या वहां की नर्स ने उनको जो टाइम बता दिया, या बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कोड लिखने की सिस्टम हो वो लिखा होगा वो बताते, बराबर। उनको भी एक्चुअल टाइम पता नहीं होता है। और जब जब एक एक दो दो मिनट तीन तीन मिनट की फर्क पड़ता है तो यहां पर वर्ग कुंडली में फर्क पड़ जाता है और वो वर्ग कुंडली के हिसाब से फिर प्रिडिक्शन में फर्क पड़ जाता है। इसके लिए ये दो चीजों के ऊपर काम किए बिना अगर प्रिडिक्शन कोई भी एस्ट्रोलॉजर करता है तो गलत जाता है। नंबर 1 डिविजनल चार्ट, और उससे भी पहले आता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हम क्या करेंगे, जो ये कोर्स के अंदर मैं जो सिखाऊंगा, मैं जो बताऊंगा, हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द डिविजनल चार्ट, और वो बर्थ टाइम उतना माइन्यूटली रेक्टिफाई करने के बाद हम कोई भी चीज के प्रिडिक्शन के ऊपर पहुंचे। आज कभी कभी मैं कुंडली देखता हूं तो मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि आपके कुंडली के चार्जेस इतने क्यों है। लोग 1200 रुपये में देखते हैं, 500 रुपये में कुंडली देखते हैं, आप 2000 लेते हो, 3000 लेते हो, 5000 लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन जैसी क्वेरीज। तो उसका ये रीजन है कि मैं शुरुआत ही यहां से करता हूं,
कि भाई आप जो टाइम लेके आया वो टाइम सही है कि नहीं, पहले वो तो फाइंड आउट करो, और मैं इसके अंदर मैक्सिमम मेरा टाइम इन्वॉल्व करूं, फिर चाहे ये मुझे 10 मिनट में हो जाए या फिर ये करने के लिए 2 घंटा लगे, लेकिन मैं ये किए बिना मैं आगे प्रेडिक्शन पे जाता ही नहीं। और इसकी वजह से भगवान की मेहरबानी से, कुल देवी के आशीर्वाद से, प्रेडिक्शन का जो एक्यूरेसी है वो 99.9% का एक्यूरेसी बैठता है, क्योंकि शुरुआत यहां से करता हूं और इसको करने के बाद में डिविजनल चार्ट, ये तो देखना ही है, ये तो बेस है, ये बेस D1 है, D1 में से ही सारी कुंडलियां निकलने वाली है, जितनी भी वर्ग कुंडली है, बट इस ये फाइनल अल्टीमेट नहीं है, इसको देखने के बाद वर्ग कुंडली के ऊपर काम करके ही आप फाइनल प्रिडिक्शन पे निकल सकते। तो जो चार्जेस ज्यादा लगता है वो एक ये रीजन है, वो ज्यादा नहीं है, वो मेरी मेहनत का है, क्योंकि इधर मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करता हूं, और ये टाइम आपने परफेक्ट पकड़ लिया तो फिर आप कोई भी प्रिडिक्शन उस व्यक्ति के कभी भी दोगे वो कभी भी गलत नहीं जाएगा, वो पक्की बात है। तो ये दो चीजों के ऊपर हमको काम करना ही करना है, और ये दोनों के बीच में, मान लो ये D1 है, मैरिज का क्वेश्चन है, तो हम कौन सा डिविजनल चार्ट देखेंगे, मैं आपको वो सब डिविजनल चार्ट के बारे में आइडिया दे दूंगा। हम यहां पर कौन सा चार्ट देखेंगे, D9 चार्ट देखेंगे, यानी डिविजनल चार्ट मतलब D1, इसके जब हम 9 पार्ट करते हैं तो ये राशि के 9 पार्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है, D9 चार्ट मिलता है, और इसके बीच में भी एक कुंडली बनती है जिसको हम बोलते हैं दशा लगन कुंडली। ये 95% लोग इसको भी ध्यान नहीं देते, और हम जब प्रिडिक्शन करते हैं, मैं जो आपको बताऊंगा समझाऊंगा सिखाऊंगा इस पे करेंगे, पहले D1 में देखेंगे, यहां से D दशा लगन कुंडली में देखेंगे, यहां से फिर D9 चार्ट में देखेंगे, और ये तीनों में कंफर्मेशन मिलेगा, फिर हम बोलेंगे कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, और इसकी वजह से अपना प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इतना हायर लेवल पे जाता है, और मैक्सिमम लोग ये फॉलो नहीं करते। तो आप जहां पर भी आए हो, सही जगह पे आए हो, मैंने आज तक देखो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में उसके ऊपर भी देखा होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, लाइव आते हैं, और लाइव आके आप सामने अपना टाइम दे दो, फटाफट कुंडली बनाएंगे, डालेंगे और प्रेडिक्शन करके दे देंगे। ये भी आप मुझे बताओ, जो टाइम के अंदर, जितने मिनट के अंदर वो लोग कुंडली डाल के प्रेडिक्शन करते हैं, क्या वो D9 चार्ट देखते होंगे, क्या वो कोई भी डिविजनल चार्ट देखते होंगे, एक भी डिविजनल चार्ट नहीं देखते। अच्छा मान लो देखते भी है, फॉर एग्जाम्पल 1% केस में मान लो कि देखते भी है, तो क्या वो लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं? मेरे पास, मैं बताऊं, जितनी भी कुंडली आती है हार्डली कोई 1 या 2 कुंडली परफेक्ट टाइम लेके आती है, बाकी हर एक में रेक्टिफिकेशन होता है, किसी के अंदर 1 मिनट का रेक्टिफिकेशन होता है, तो किसी के अंदर 10 मिनट का, और मेरे पास यहां तक आया हुआ है कि रेक्टिफाई करने के बाद 30-30 मिनट का फर्क निकला। अब जब ये सारी चीजें नहीं करेंगे, फेसबुक के ऊपर लाइव आएंगे, कंप्यूटर में फटाफट कुंडली बना के प्रेडिक्शन दे दिया, ऐसे कैसे सही होगा? और उसी का रीजन है फिर लोगों को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। अब भाई इतनी एनालिसिस जब तक नहीं करोगे, यू कैन नॉट से ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कोई खाने का काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को सही ढंग से एनालाइज करके आप करोगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा और बहुत अच्छे प्रेडिक्शन आएंगे, बट उसको ऐसे ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करोगे तो वो कभी भी होने वाला है नहीं। और 50-60% की यहां पर बात नहीं हो रही है, आपको 50-60% एक्यूरेट होना है तो ये कुंडली इनफ है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाना। बट अगर आपको 99% की एक्यूरेसी पे पहुंचना है तो ये प्रोसेस से निकलना होगा, और जब आप ये प्रोसेस में से निकल के फिर प्रिडिक्शन करते हैं तो आपका प्रिडिक्शन परफेक्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अलग अलग टाइप के डिविजनल चार्ट होते हैं।